दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि चीन की दीवार के बारे में नहीं जानता होगा। पूरी दुनिया से लोग चीन की दीवार को देखने के लिए आते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी दिखती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से मशहूर यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। इसकी वजह यह है कि यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके पीछे का राज। दरअसल साल 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण में दीवार की लंबाई 8,850 किलोमीटर बताई गई थी, लेकिन साल 2012 में चीन में किए गए एक राजकीय सर्वेक्षण में यह बात गलत साबित हुई। उस सर्वेक्षण में बताया गया है कि चीन की दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इस दीवार के बनने की कहानी 200 या 400 साल पुरानी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी है। वैसे तो ऐसी दीवार बनाने की कल्पना चीन के पहले सम्राट किंसी हुआंग ने की थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके थे। उनके मरने के सैकड़ों साल बाद दीवार का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। माना जाता है कि इसे बनाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली। इसका निर्माण एक नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में करवाया था। कहा जाता है कि इस दीवार का निर्माण दुश्मनों से चीन की रक्षा करने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा हो न सका। बताया जाता है कि 1211 में मंगोल शासक चंगेज खान ने एक जगह से दीवार को तोड़ दिया था और उसे पार कर चीन पर हमला भी किया था। चीन में इस दीवार को वानली चेंगचेंग के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक चल सकते हैं। माना जाता है कि इस विशाल दीवार के निर्माण कार्य में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिनमें से करीब 10 लाख लोगों ने इसे बनाने में ही अपनी जान गंवा दी थी। कहते हैं कि उन लोगों को फिर इस दीवार के नीचे ही दफना दिया गया। यही वजह है कि चीन की इस महान और विशाल दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।